प्रदेश भर में पिछले कई दिनों से सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। शुक्रवार को पानीपत के लघु सचिवालय में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने CITU के बैनर तले जमकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए मांग उठाई है कि ग्रामीण सफाई कर्मियों को पक्का किया जाए, साथ ही उनकी संख्या भी जनसंख्या के हिसाब से बढ़ाई जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो अब की बार 75 पार नहीं, BJP होगी सत्ता से बाहर। ये जो प्रदर्शन है ये राज्यव्यापी हड़ताल ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की 27 अगस्त से चली हुई है पूरे हरियाणा के अंदर। उसका मुख्य जो मांग है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का जो वेतन है, जो शहर के नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं उनके बराबर मिलना चाहिए और कम से कम 18,000 न्यूनतम वेतन होना चाहिए और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ESIPF लागू हो और ये जो मुख्य मांगे हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन ये योजना लागू हो और गांव के अंदर 2,000 पे 1,000 पे आबादी पे एक जो सफाई कर्मचारी है, शहर की तरह 400 की आबादी पे एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की जाए। इन मांगों को लेके हड़ताल चली हुई है, अभी लड़ाई जारी है और 7 और 8 अभी जो 7 सितंबर 8 सितंबर है 24 घंटे का पड़ाव जो मुख्यमंत्री आवास है करनाल के अंदर उस पर पूरे हरियाणा के हजारों ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 24 घंटे का पड़ाव डालेंगे। जब तक आंदोलन जारी रहेगा मजदूरों की मांगें पूरी नहीं होंगी। अगर सरकार ने हमारी मांगें पूरी नहीं की सफाई कर्मचारियों को जो रखी हैं तो आने वाले इलेक्शन में ये सबक सिखाएंगे, मेहनत करने वालों की अगर जो जनता के मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो चुनाव का भी जिस तरह से होगा। तो सरकार नारा दे रही है भाई अब की बार खट्टर सरकार 75 पार, अब की बार खट्टर सरकार सत्ता से बाहर, ये भी नारा लगेगा अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।